हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी का नाम है साबूदाना वड़ा। खाओगे इसको तो आपको मज़ा आएगा बड़ा। यस, ये साबूदाना वड़ा नॉर्मल साबूदाना वड़ा नहीं है, ये है स्टफ्ड साबूदाना वड़ा। स्टफ्ड साबूदाना वड़ा होने के कारण ये बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमने लिया है साबूदाना, इसके साथ ही हमने लिया है रोस्टेड पीनट्स। ये रेडीमेड रोस्टेड पीनट्स हैं, आप चाहे तो पीनट्स को घर पे भी रोस्ट कर सकते हैं। दही, कच्चे आलू, हरी मिर्ची और नमक। और स्टफिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने लिया है पनीर 200 ग्राम, दही, ये थोड़ा सा थिक कर्ड है, नमक और काली मिर्च पाउडर। तो चलो हम शुरू करते हैं बनाना साबूदाना वड़ा। स्टफ्ड साबूदाना वड़ा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि साबूदाने को कैसे भिगोना है। यहाँ हमने 2 कटोरी साबूदाने को अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर उसमें हमें 3 कटोरी पानी डालना है और इसे रात भर के लिए भिगो के रखना है। अगर आपको रात भर के लिए नहीं भिगाना है तो आपको मिनिमम 6 घंटे तो भी इसको भिगाना पड़ेगा। ये जो रोस्टेड पीनट्स हैं इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए, ऐसे मिक्सर में इसको हल्का सा ग्राइंड करना है। और यहाँ मैंने कच्चे आलू लिए हैं। कच्चे आलू को हम कीसना शुरू करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ आलू, कच्चे आलू को कीस कर क्यों डाल रहे हैं। कच्चे आलू कीसने से उसका जूस निकलेगा और वो जूस जब साबूदाने में एब्जॉर्ब होगा तो इससे बनने वाले जो साबूदाने वड़े हैं वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप चाहे तो इसमें बॉइल्ड पोटैटो भी डाल सकते हैं जैसे कि नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, पर कच्चा आलू डालने से जो साबूदाने वड़े का टेस्ट है वो एकदम डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी होगा। आप मेरी बात मानिए और एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, आपको ये साबूदाना वड़ा एकदम डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये देखिए, पोटैटो से जो जूस निकला है ये सारा हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी तरह से बचे हुए 2 आलू को भी हम खींच लेंगे और साबूदाने में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड करेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल नमक लिया है। आप अगर इसको फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें फास्ट वाला नमक डाल सकते हैं, पर क्योंकि फास्ट वाला नमक ज़्यादा सॉल्टी नहीं होता है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालिए इसमें। और ये क्रश किए हुए रोस्टेड पीनट्स भी हमने डाल दिए हैं। ये 3 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च को मैंने चॉप करके डाल दिया और 4 चम्मच दही। ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ठीक से मिक्स नहीं किया तो नमक इवनली मिक्स नहीं होगा। तो जब तक 10 मिनट में ये हमारा साबूदाने वड़े का मिक्सचर रेडी हो रहा है तब तक हम अपनी स्टफिंग बना लेते हैं। तो जानना चाहोगे हम स्टफिंग किस चीज़ की बना रहे हैं? तो हम स्टफिंग बनाएंगे पनीर से। तो यहाँ हमने 200 ग्राम पनीर लिया है और उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको हम अच्छे से कीस लेंगे। तो ये जो पनीर की स्टफिंग हम बनाने वाले हैं इससे साबूदाना वड़ा बाहर से एकदम क्रिस्पी होगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट। अब इस कीसे हुए पनीर में हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, ये भी नॉर्मल नमक है, और गाढ़ा दही।
दो चम्मच लिया है यहाँ मैंने। अगर आपका दही गाढ़ा नहीं है तो आप एक ही चम्मच दही ऐड करिए। अगर आप पतला दही डालेंगे तो ये जो हमारा स्टफिंग है वो भी लिक्विडी बनेगा और साबुदाना फूटने का डर है। देन इसमें हमने डाला है काली मिर्च। देखा स्टफिंग बनाना कितना ईजी है। इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि इसके जो रेशे हैं वो टूटे ना। तो 10 मिनट हो गए हैं और हमारा साबुदाने वड़े का मिक्सचर भी रेडी है। तो इस मिक्सचर में से आधा मिक्सचर हम निकालेंगे और उसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इस मिक्सचर को ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा एकदम ही पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा ग्राइंड करना है। अब इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे साबुदाना वड़ा अच्छे से बाइंड होगा और फूटेगा नहीं। तो ये हमने यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं साबुदाना वड़ा बनाना। तो देखते हैं हमें साबुदाने वड़े को कैसे फिल करना है। एक छोटा सा पोर्शन लीजिए मिक्सचर का, उसका गोला बनाइए, उसको प्रेस करिए और उसमें ये स्टफिंग का बॉल बना के अंदर डाल दीजिए और इस बॉल को अच्छी तरह से चारों तरफ से साबुदाने से कवर कर लीजिए। कवरिंग अच्छे से करनी है, नहीं तो साबुदाना वड़ा तेल में फूट जाएगा। ये देखिए, ये अच्छे से कवर हो गया है। अब हम इसमें बीच में होल करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और उस होल को भी हम अच्छे से अंदर से साबुदाने से फिल कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें होल कर दिया है और इसमें अंदर से भी अच्छे से इसको कवर कर लिया है। प्लीज़ केयरफुली इसको कवर करिए। ये है साबुदाना वड़ा बनाने का पहला टाइप। अब मैं आपको सेकेंड टाइप भी बना दूँ। सेकेंड टाइप के लिए आप थोड़ा सा छोटा गोला लीजिए साबुदाने का, उसको फ्लैट कर लो और उसमें स्टफिंग का एक बॉल डाल लो ये, और इसको एक और साबुदाने का मिक्सचर फ्लैट करके ऊपर से लगा लो और इसको चारों तरफ से आप कवर कर लो। तो आपको जो भी टेक्निक इजी लगती है आप वो यूज़ कीजिए। मुझे सेकंड वाली ज़्यादा इजी लगती है। इसमें बीच में हमने वैसे ही होल किया है और इसको अंदर से कवर कर लिया है। इसको इसी तरह से हम बाकी के साबुदाने वड़े बना लेंगे। यहाँ ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब हम साबुदाने वड़े को डीप फ्राई करेंगे। इसको हल्के हाथ से डालना है, तेज आंच पे इसको तलना है। देखिए, इसको एक तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन होने दीजिए कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए और फिर इसको हम पलटेंगे। इसको हिलाना नहीं है, थोड़ा सा सेफली इसको तलिए क्योंकि अगर आपने इसको अंदर से अच्छे से कवर नहीं किया है तो ये तेल में फूट सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप साबुदाना वड़ा तल रहे हैं। इसको हिलाना नहीं है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। 2-3 मिनट के लिए इसको तेल में होने दीजिए। अब ये देखिए, एक तरफ से अच्छे से पक गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इसको दूसरी तरफ से पलटेंगे
और इसको 2 से 3 मिनट के लिए और तलेंगे। इसको तेज आंच पे ही तलना है। ये देखिए हमारे साबूदाना वड़ा रेडी है। ये हल्का सा ब्राउन हो गया है तब आप इसको निकाल लीजिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली हर एक रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है सुपर टेस्टी एंड हेल्दी लौकी सूप। ये सूप आप फास्ट में भी पी सकते हैं और नॉर्मली भी। तो इस रेसिपी को जानने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।